हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। फिर वैसे तो मैंने यूट्यूब चैनल का चैनल कवर यानी कि चैनल आर्ट बनाने के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिन वीडियोस के लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ही आसानी से चैनल आर्ट यानी कि यूट्यूब चैनल का कवर फोटो कैसे बना सकते हैं। तो इस आसान तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यूट्यूब चैनल के लिए चैनल बैनर यानी कि चैनल आर्ट बनाने का तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूँ अपना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, आपने इसे यहाँ से कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है और इसे यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। अब आपने यूट्यूब बैनर के साइज़ देना है। यूट्यूब बैनर का साइज़ देने के लिए आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, इमेज साइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इमेज साइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कस्टम, कस्टम पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक करके आपने इसे यहाँ से ओके कर देना है। अब आपके पास यूट्यूब चैनल के बैनर का साइज़ तो आ गया, बट एक्यूरेटली आपको ये नहीं पता कि आपने फॉन्ट कहाँ पर ऐड करना है और अपने बैनर में अगर आपने कोई फोटो ऐड करनी है तो वो कहाँ पर ऐड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेम्पलेट ऐड करेंगे। तो उस टेम्पलेट को ऐड करने के लिए आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी गूगल से एक टेम्पलेट डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। तो ये वो टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट को मैंने गूगल से डाउनलोड किया। गूगल पर जाकर आप लिख सकते हैं यूट्यूब चैनल बैनर टेम्पलेट, तो ये गूगल पर आपको ईजिली मिल जाएगी। वैसे इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका ये बेनिफिट होता है कि आप एक्यूरेटली फाउंटिंग कर सकते हैं और कोई फोटो ऐड करनी हो तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि इस टेम्पलेट को ऐड करने के बाद मैं गुड के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद मैं इस ऐसे पकड़ के इसे फुल स्क्रीन पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ इंपॉर्टेंट, इसे आपने लॉक करना है सबसे पहले एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले। तो लॉक करने के लिए आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद वापस से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे बैक कर देना है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर जूम के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जूम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो डार्क ब्लैक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने अपनी एडिटिंग सिर्फ इस हिस्से में करनी है। इससे बाहर करेंगे तो आपका टेम्पलेट ठीक नहीं बनेगा। और बेसिकली ये जो ब्लैक बॉक्स है इसे हम एडिटिंग करने के बाद डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली एक स्केच होता है जिसके ऊपर आपने अपना एक बिल्डिंग मटेरियल जो है वो ऐड करना होता है या मटेरियल जो भी है इस एरिया में आप करके ऐड इस बैकग्राउंड ब्लैक लेयर को आप डिलीट कर सकते हैं। तो अपने चैनल का नाम लिखने के लिए आपने यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लिखने के लिए आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कोई फोटो ऐड करनी हो तो फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से फॉन्ट स्टाइल भी ऐड कर लेता हूँ और कोई फोटो ऐड करनी हो तो उसे भी ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फॉन्ट स्टाइल भी ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने अपनी पिक्चर भी ऐड कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पर जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे जूम बैक कर देना है। उसके बाद दोबारा से जूम के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके जो हमने टेम्पलेट ऐड की थी उसे यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद बैक कर देना है इसे यहाँ से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्यूरेट साइज़ है वो आपका चैनल बैनर है और इतना ही हिस्सा हमारे चैनल बैनर में लगेगा, इससे एक्स्ट्रा हिस्सा जो है हमारे चैनल बैनर में नहीं लगेगा। तो सेव करने के लिए आपने यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज कर देना है। सेव एज इमेज करने के बाद कस्टम, कस्टम पर क्लिक करने के बाद अल्ट्रा क्वालिटी सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी कर देना है। जैसे आप सेव टू गैलरी करेंगे ये फोटो जो है टेम्पलेट हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए चैनल बैनर यानी कि चैनल आर्ट कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। चलिए जी आज की हमारी वीडियो के यूट्यूब चैनल के लिए बैनर कैसे बनाएं, आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।